इस वक्त इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। वीएल कांताराव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आज हमारे 51 मतगणना स्थलों पर उन्हीं से लगे हुए 51 स्ट्रांग रूम को सुबह 7 बजे सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ऑब्जर्वर और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में खोला गया है और ठीक 8 बजे मतगणना का कार्य प्रारंभ किया गया है। 29 विधानसभा क्षेत्र जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं बैठते हैं जिस हॉल में, उन 29 जगह छोड़कर बाकी जो 201 जो विधानसभा क्षेत्रों की जो मतगणना है वो ठीक 8 बजे प्रारंभ हो गए, बाकी 29 जगह 8:30 बजे प्रारंभ हुई, चूंकि वहां पर पोस्टल बैलेट की मतगणना 8 बजे प्रारंभ की गई है। 311 काउंटिंग हॉल्स में 3409 टेबलों पर मतगणना कार्य अभी सुचारू रूप से चल रही है। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद या मतगणना के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 86,000 पोस्टल बैलेट की गणना का कार्य चल रही है। मतगणना के जो परिणाम है, रुझान है, ये आपको results.eci.gov.in के वेबसाइट पर और वोटर हेल्पलाइन के ऐप पर आपको लगातार रियल टाइम में मिल रहे हैं, तो इसलिए उसके बारे में यहाँ हम कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राउंड्स का क्या स्टेटस चल रहा है, कि किस किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्या क्या राउंड चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 या 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। 2 जगह ऐसे हैं जहां पर 7 विधानसभा क्षेत्र है, सतना और छिंदवाड़ा, और बाकी सभी जगह 8-8 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो विधानसभा क्षेत्रवार हॉलों में मतगणना हॉल में मतगणना चल रही है, और जैसे मुरैना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 से लेकर 24 राउंड की मतगणना होना है। किसी विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर 19 राउंड होना है और उन्हीं 8 में से किसी और विधानसभा क्षेत्र में 24 राउंड होना है। जो रेंज हमने आपको ये कागज वितरित किया है, इसमें रेंज दिया है कि कितने राउंड होना है प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, और वर्तमान में यानी 11 बजे तक उस जगह पर किसी विधानसभा क्षेत्र में दूसरा राउंड हुआ है और किसी में चौथा राउंड हुआ है। जो राउंड कंप्लीट हुआ है वो हमने ये जानकारी दी है, और राउंड कंप्लीट होने का अर्थ है कि हमारा जो सुविधा ऐप है, जो भारत निर्वाचन आयोग की जो इंटरनल सिस्टम है जहाँ पर हम राउंड वार जानकारी भरते हैं, उसके आधार पर हमने ये स्थिति निकाली है। तो आप देखेंगे कि औसतन 4th या 5th राउंड हर जगह पर चल रहा है और औसतन 20 राउंड होना है, तो लगभग 15 राउंड और बाकी है। और जो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जिनकी मतगणना अलग हॉल में चल रही है बाय इलेक्शन का, वो 11 बजे तक 6 राउंड वहाँ हो चुके हैं और वहाँ कुल 22 राउंड होना बाकी है। जो ईवीएम मशीन में मतदान के दिन मतदान समाप्त होने के बाद उसका क्लोज बटन जो दबाना है और उसमें से जो मॉक पोल के जो वोट्स डिलीट करना है, ऐसे मामले हमारे पास 40 प्रकरण ऐसे मिले थे जो स्क्रूटनी के दौरान यानी ऑब्जर्वर के द्वारा मतदान के अगले दिन जब स्क्रूटनी की जाती है उस समय 40 प्रकरण सामने आए थे। ये हमने सभी कैंडिडेट्स को बता दिया। उन 40 प्रकरणों में ईवीएम मशीन के बजाय वीवीपैट पर्ची की गणना की जाएगी। आज मतगणना के दौरान 7 प्रकरण और सामने आए हैं जिसमें वो सीआरसी की प्रक्रिया ना होने पर ईवीएम की गणना ना करते हुए वीवीपैट की गणना करेंगे, अर्थात
अभी तक 47 प्रकरण ऐसे हैं, 47 ईवीएम की जगह हम 47 वीवीपैट मशीनों के पर्चियों की गणना करेंगे। इन पर्चियों की गणना ईवीएम मशीन की गणना के बाद अंत में होगा।